So question is, evaluate integration of 0 to infinity e raised to minus t 0 to t u raised to 4 sin hu cos hu du dt. तो ये जो du जो दिया हमने, ये du का इंटीग्रेशन ये है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t एंड dt का इंटीग्रेशन है 0 टू इंफिनिटी. तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को लैपलास में कन्वर्ट करना आपको. ओके, तो लैपलास में कन्वर्ट करते हैं आप लोग, तो 0 टू इंफिनिटी e raise to minus st कट होगा, विद dt भी कट होगा. मतलब यहां पे ये पूरा 0 टू इंफिनिटी e raise to minus st कट होगा एंड dt कट होगा. तो क्वेश्चन कुछ ऐसा बनेगा, लैपलास ऑफ दैट रिमेनिंग इक्वेशन इज 0 टू t u raise to 4 sin hu into cos hu du. Okay? लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले साइन एच यू कॉस एच यू सॉल्व करते हैं एंड देन मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी रेस टू फोर का फॉर्मूला, मल्टीप्लीकेशन ऑफ यू रेस टू फोर है ना, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी रेस टू फोर लेते हैं. लेकिन अगर पावर फोर है तो वो फोर टाइम्स डेरिवेटिव करना पड़ेगा विच इज वेरी डिफिकल्ट. तो इसके अलावा आपके पास ऑप्शन क्या है, तो ये हाइपरबोलिक फंक्शन है ना, तो हाइपरबोलिक को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं. लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है, इसको कन्वर्ट किया, दो कन्वर्जन होगा. तो बेटर हम लोग क्या करते हैं, दोनों हाइपरबोलिक है तो हम लोग उसको साइन इंटू कॉस के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं एंड देन उसको हाइपरबोलिक में ले लेते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां पे इसी में एडजस्ट कर लेते हैं, लैपलास को एडजस्ट करते आ रहा हूं मैं, सॉल्व नहीं कर रहा हूं, लैपलास का एप्लीकेशन नहीं ले रहा हूं मैं, उसी में एडजस्टमेंट कर रहा हूं. तो लैपलास वैसे रखता हूं मैं, लैपलास ऑफ 0 टू t u रेस टू 4. अभी यहां पे फॉर्मूला क्या होगा, देखो साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होता है हाफ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये ट्रिगो का फॉर्मूला है. अगर यहां पे हाइपरबोलिक आ गया तो भी सेम ही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, दैट मींस साइन एच ए इंटू कॉस एच बी, इसका फॉर्मूला होगा हाफ, हाफ में टोटल डिवाइड कर लेता हूं एंड यहां पे होगा साइन एच ए प्लस बी प्लस साइन एच ए माइनस बी. ओके, और एक फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. ओके, और ये टू, ये दोनों सेम एंगल रहेगा तो आप यूज कर सकते हो. ये कैसा होता है, यहां पे डिफरेंट एंगल पे एप्लीकेबल होता है. तो अगर आप ठीक से देखो दोनों साइन एच यू कॉस एच यू दोनों सेम एंगल है ना, तो आप ये ऊपर वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो. सिर्फ क्या होगा, ये 2 शिफ्ट होगा डिवाइड में, तो हाइपरबोलिक के लिए भी सेम फॉर्मूला है. क्या होगा, साइन एच यू कॉस एच यू होगा साइन हाइपरबोलिक 2 यू होगा, डबल एंगल होगा, तो इसका कन्वर्जन होगा साइन हाइपरबोलिक यू और यू टोटल होगा 2 यू अपॉन 2 डी यू, ये होगा उसका कन्वर्जन. आप इससे भी करोगे तो भी होगा, डिवाइड बाय 2 वैसे भी आ गया. साइन एच ए प्लस बी यू प्लस यू 2 यू प्लस साइन ए माइनस बी यू माइनस यू 0 साइन 0 0 होता है. तो आंसर वही मिलने वाला है, जो आपको एप्लीकेबल लग रहा है वो यूज करो. क्लियर है, देन अभी इसमें ये हाइपरबोलिक को कन्वर्ट कर सकता हूं ना मैं, तो साइन हाइपरबोलिक ए यू का कन्वर्जन होगा ई रेस टू माइनस ए यू, और मैंने फॉर्मूला दिया था ई रेस टू एटी का, एटी ए सब जो भी रहेगा वो ई रेस टू ए यू माइनस ई रेस टू माइनस ए यू बाय 2. यहां पे ए यू रहेगा तो ए यू, एटी रहेगा तो एटी, यू रहेगा तो यू, जो भी रहेगा वो रेस टू में लेना आपको. तो यहां पे है 2 यू, तो लैपलास ऑफ 0 टू टी यू रेस टू 4, ये 2 साइन में लिया पहले मैंने, देन साइन हाइपरबोलिक का कन्वर्जन होगा ई रेस टू, यहां पे एंगल है 2 यू तो ई रेस टू 2 यू माइनस ई रेस टू माइनस 2 यू अपॉन 2. ये 2, ये साइन हाइपरबोलिक का कन्वर्जन किया इसलिए 2 आ गया, और ये 2 पहले से था यहां पे लिया मैंने, तो 2 4 होगा, वो कॉन्स्टेंट बाहर लोगे आप लोग 1/4 लैपलास ऑफ 0 टू टी एंड ये यू रेस टू 4 अंदर मल्टीप्लाई करो. तो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ई रेस टू 2 यू इंटू यू रेस टू 4 माइनस ई रेस टू माइनस 2 यू इंटू यू रेस टू 4.
सो अभी आप लोग क्या कर सकते हो, इसमें ये रेज टू यू रेज टू फोर मतलब ये हो गया टी रेज टू एन का फॉर्मूला एंड इनटू एक्सपोनेंशियल टर्म आ गया, इसलिए क्या हो गया वो फर्स्ट शिफ्टिंग हो गया। तो आप पहले ये करोगे देन लैपलेस ऑफ इंटीग्रेशन, इसलिए क्या होगा वो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होगा। तो स्टेप वन अभी ये मैंने क्या किया एग्जैक्टली, जो क्वेश्चन था उसको सिंप्लीफाई किया मैंने, एक सिंप्लीफाई फॉर्म में लाया और अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्टेप नंबर वन, इंटीग्रेशन छोड़ दो, इंटीग्रेशन लैपलास ऑफ, मैं सिर्फ इतना ही ले रहा हूं ब्रैकेट, क्योंकि इंटीग्रेशन का पैटर्न बाद में, तो लैपलास ऑफ ओनली ब्रैकेट होगा ई रेस टू टू यू इंटू यू रेस टू फोर माइनस ई रेस टू माइनस टू यू इंटू यू रेस टू फोर, बस इतना ही क्वेश्चन लिया हमने। इसमें आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, मैं इसलिए ब्रैकेट में लिखता हूं, लैपलास ऑफ यू रेस टू फोर, यू रेस टू फोर मतलब हो गया टी रेस टू फोर का फॉर्मूला, एन का वैल्यू फोर है तो आंसर इज फोर फैक्टोरियल अपॉन एस रेस टू फोर प्लस वन, आंसर इज फोर फैक्टोरियल अपॉन एस रेस टू फोर प्लस वन। तो यहां पे होगा एस रेस टू फाइव होगा एंड फोर फैक्टोरियल का वैल्यू होता है फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, तो उसका आंसर आपको मिलेगा 24। तो ये इसका आंसर है, लेकिन इसके साथ यहां पे फर्स्ट शिफ्टिंग क्यों होने वाला है, यहां पे s के जगह पे यहां पे प्लस टू है तो s माइनस टू होगा एंड यहां पे s के जगह पे s प्लस टू होगा। तो आपको आंसर क्या लिखना है, देखो यहां पे यही आंसर 24 अपॉन s रेशो 5 लिखना है, लेकिन s नहीं लिखना है, s माइनस टू लिखना है इसका आंसर, क्योंकि यहां पे प्लस टू है ना तो s माइनस टू होगा। तो आंसर इज 24 अपॉन s माइनस टू द होल रेस टू 5, ये फर्स्ट का आंसर हो गया। माइनस ये सेम यू रेस टू फोर, आंसर यही है लेकिन यहां पे फर्स्ट शिफ्टिंग हो रहा है इसलिए एस के जगह पे एस प्लस टू लिखो, तो 24 अपॉन एस प्लस टू द होल रेस टू 4। चलिए तो आप 24 कॉमन लो इसमें, तो 24 अगर मैंने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में होगा 1 अपॉन एस माइनस टू द होल रेस टू 5 माइनस 1 अपॉन एस प्लस टू द होल रेस टू 5 यहां पर आएगा, ये हो गया किसका आंसर, ये ब्रैकेट का आंसर हो गया। अभी क्या बाकी है, इंटीग्रेशन बाकी ना, तो इंटीग्रेशन का रोल क्या होता है, जैसे इंटीग्रेट करते हो तो राइट साइड पे क्या होता है इंटू वन बाय एस, बस ये आंसर को क्या करना है इंटू वन बाय एस करना आपको। सो हियर स्टेप टू इज लैपलास ऑफ इंटीग्रेशन, तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाकी है इंटू वन बाय फोर भी था ना, तो मैं एक क्वेश्चन ही लिख देता हूं, स्टार्टिंग का क्वेश्चन जो था लैपलास ऑफ जीरो टू टी यू रेज टू फोर साइन एच यू कॉस एच यू डी यू, ये एक्चुअल क्वेश्चन था, ये एक्चुअल क्वेश्चन में आंसर आया था 1/4 लैपलास ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू टी ब्रैकेट ई रेज टू टू यू इंटू यू रेस टू फोर माइनस ई रेस टू माइनस टू यू इंटू यू रेस टू फोर डी यू, ये क्वेश्चन आपको आंसर मिला था, मैंने बीच में इसका आंसर सेपरेट निकाला है ब्रैकेट का, अभी ये आंसर मेरे पास अवेलेबल है, बस इसको इंटू में क्या आ गया इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन आ गया तो उसका आपको आंसर मिलता है 1/s। तो यहां पर मैं लिखूंगा ये 1/4 कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन का आंसर होगा, देखो यहां पे सिर्फ ये इंटीग्रेशन डिफरेंट है तो ये इंटीग्रेशन जाएगा डी यू जाएगा उसके लिए कितना होगा 1/s एंड इसका तो लैपलास का आंसर आपके पास ऑलरेडी रेडी है ना, दैट आंसर इज 24 इंटू ब्रैकेट 1 अपॉन s माइनस टू द होल रेज टू 5 माइनस 1 अपॉन s प्लस टू द होल रेज टू 5 हो गया। ये 1/4 आप लोगों ने यहां पे यहां से कैरी फॉरवर्ड किया, ठीक है, देन 4 6 24 तो ये कैंसिल होगा तो 6 बचेगा 6/s 1 अपॉन s माइनस टू द होल रेज टू 5 माइनस 1 अपॉन s प्लस टू द होल रेज टू 5, ये हो गया इसका आंसर। लेकिन ये भी क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन था हम लोगों ने कन्वर्ट किया हुआ क्वेश्चन गया ना, इसमें इवैल्यूएट का सम था तो s का वैल्यू यहां पे e रेस टू माइनस वन टी है,
रेस टू माइनस वन टी, तो s का वैल्यू 1 है, तो आप लोग पुट करोगे, पुट s इज इक्वल टू 1, तो अगर 1 पुट किया तो 6 बाय 1, 1 अपॉन 1 माइनस टू द होल रेस टू 5, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टू द होल रेस टू 5, ओके, और फाइनली सॉल्व करोगे तो ये 6 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 2 माइनस हो जाता है, माइनस 1 का पावर आप माइनस 1 ही लोगे, तो आंसर आएगा माइनस 1, 1 अपॉन माइनस 1 द होल रेस टू 5 होगा, माइनस 1 का पावर 5 है तो माइनस 1 ही मिलेगा, 1 बाय माइनस 1 इज माइनस 1, एंड माइनस 1 अपॉन 3 रेस टू 5, इसका आप कैलकुलेटर वैल्यू निकालो, नहीं तो ये रहने दो, क्लियर है, तो दिस इज द फाइनल आंसर।